हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमें नमस्कार अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए सबों को हम स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। बाइबल में अय्यूब नाम के वक्ते के बारे में देखते हैं, वो कहता है, मेरे भोजन से बढ़कर प्रभु के वचन को मैं प्रावधान देता हूँ। तो कितना वचन से प्यार किया है, ऐसे प्यार हमारे दिल में दे दे और वचन को और भी गहराई से गहरे प्रेम के साथ पढ़ने सुनने अपनाने मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। यिर्मयाह 8 अध्याय। यहोवा की वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते थे। और न वे इकट्ठी की जाएंगी, न कब्र में रखी जाएंगी, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी। तुम इस बुरे कुल के बच्चे हुए लोग, उन सब स्थानों में जिसमें मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से मृत्यु हुई को अधिक चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तो उनसे यह भी कह, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है के यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं, ये चल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं? मैंने ध्यान देकर सुना, पर तो ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपने बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है? जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। आकाश में लग लग भी अपने नियत समयों को जानता है और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, पर तो मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। तुम क्यों कर कह सकते हो कि हम बुद्धिमान है और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है? पर तो उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए हैं, वे विस्मित हुए हैं और पकड़े गए हैं। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहां रही? इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची हैं। क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, वे सब के चल से काम करते हैं। उन्होंने शांति है शांति है ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के गांव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरें तब वे भी गिरेंगे, जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का ये वचन है। यहोवा की यह भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, न तो उनकी दाखलताओं में दाग पाई जाएगी और न अंजीर के वृक्षों में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे। और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ हम चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नाश हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नाश करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हम शांति की बाट जोते थे
पर तो कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे पर तो घबराना ही पड़ा है। उनके घोड़ों का फुर्राना दान से सुन पड़ता है, और बलवंत घोड़ों के हिन हिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगर को निवासियों समेत नाश किया है, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा और वे तुमको डसेंगे, यहोवा की यही वाणी है। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहां से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सियोन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? उन्होंने क्यों मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश के व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों क्रोध दिलाया है? कटने का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभ में डूबा हूं। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के गांव क्यों चंगे नहीं हुए? यिर्मयाह 9वां अध्याय भी पढ़ेंगे। भला होता कि मेरा सिर जली जल और मेरे आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज हैं। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष की नाई झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए पर तो सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं और वे मुझको जानते ही नहीं, यहोवा की यही वाणी है। अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अडंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठी बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास चल के बीच है, चल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख मैं उनको तपा कर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूं। उनकी जीभ काल के तीर के समान बेदने वाली है, उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं पर मनी मन एक दूसरे की गांत में लगे रहते हैं। क्या मैं ऐसी बातों का दंड दूं? यहोवा की वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा ना लूं? मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता और उनमें डोर का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता। पशु पक्षी सब भाग गए हैं। मैं यरूशलेम को डीगिगी डीग करके गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वो इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल की नाई ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता? और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हट पर बाल नाम देवताओं के पीछे चले
जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, और मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर पितर करूंगा जिन्हें न तो वे न उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत न हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो, वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं, कि हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाएं। सियोन से शोक का यह गीत सुन पड़ता है, हम कैसे नाश हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए हैं। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो, तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिठा दे। तो कह, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों की लोतें ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खाद खेत के ऊपर, और पुलियां काटने वाले के पीछे पड़ी रहती है और उनका कोई उठाने वाला न होगा। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, पर तो जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है, कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। देखो, यहोवा की वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, इदोमियों, अम्मोनियों, मोआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों के समान जो अपने गाल के बालों को मुंडाल डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां जो कतना रहित है और इज़राइल का सारा घराना भी मन में कतना रहित है। इशाया 48 अध्याय। हे याकूब के घराने, ये बात सुन, तुम जो इज़राइली कहलाते हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इज़राइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, पर तो सच्चाई और धर्म से नहीं करते, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इज़राइल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली, मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और ये बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माता पीतल का है, इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया है, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया, ऐसा ना हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है, मेरी खोदी और डली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ। तूने सुना है, सो अब इन बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार न करोगे? अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता, वे अभी अभी सृजी हुई गई है, प्राचीन काल से नहीं, पर तो आज से पहले तूने उन्हें सुना भी न था, ऐसा न हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इन्हें जानता था। हाँ, निश्चय तूने उन्हें न तो सुना न जाना, न इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय
विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। अपने नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूं और अपने महिमा के निमित्त अपने तई रोक रखता हूं। ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया पर तू चांदी की नाई नहीं, मैंने दुख की बट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। हे याकूब, ये मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूं वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम सबके सब इकट्ठे होकर सुनो, उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बाबुल पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। मैंने, हां मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे बेच दिया है। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के नाई होता। तेरा वंश बालू के किनकों के दुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। बाबुल में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात को प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की चोर तक इसकी चर्चा फैलाओ, कहते जाओ कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। जब उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यास नहीं हुए है। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। पहले तिमोथियो 4:1-16। पर तो आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोगे से दागा गया है, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन के कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन के भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। और ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है।
इन बातों के आज्ञा कर और सिखाता रह, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊं, तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लवलीन रह। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रह। उन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपने और अपने उपदेश की चौकी से रख, इन बातों में स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इस अध्याय में चौथा अध्याय पहला वचन से लिखा है, आने वाले समय बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि बहुत बुरे समय आने वाले हैं और लोग परमेश्वर के वचन को छोड़कर शैतान के उपदेशों के लिए कान लगाएंगे। आप ऐसा नहीं लगाना, इसलिए हर दिन बाइबल पढ़िए, परमेश्वर क्या कहता है सुनिए, उसके अनुसार चल लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, आखिर दिनों में बरमाने वाली आत्माएं आएंगे और शैतान के उपदेश आएंगे, लेकिन उससे हम सावधान होकर, उससे बच निकलकर, बस तेरे जीवित वचन पर मन लगाकर और मन से तन से उनको पालन करने के लिए मैं मदद कर, आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष करे, आमेन।